गवर्नर पंजाब की एडवाइस नजरअंदाज। पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, ना ही वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया। इत्तेहादियों का अगला लाइहे अमल क्या होगा? गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इजलास। बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असेंबली का खत मुस्तरद कर दिया। क्या परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया जाएगा? लीग रहनुमा रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा, वरना वो वजीर आला नहीं रहेंगे। वजीर दाखिला राना सना की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा वजारत आला के लिए हमजा शहबाज हमारे मुत्तफिका उम्मीदवार है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं करेंगे, ये सिर्फ अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। आसिफ सरदारी कहते हैं हमजा शहबाज उनके लिए बिलावल से कम नहीं। पंजाब में वजारत आला नून लीग का हक है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी करार दिया है। सदर मुमलिकत को खत लिखा तो गवर्नर को हटाया जा सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई की खवातीन अरकान को 5-5 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। पहले मुतनाज़े मास्टर प्लान की मंजूरी, फिर एतमाद का वोट। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनों को नवाज दिया। मुतनाज़े लाहौर मास्टर प्लान मंजूर कर लिया। अहम तरीन कारोबारी शख्सियात को जबरदस्त फायदा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने इमरान खान के दबाव में आकर मास्टर प्लान की मंजूरी दी।